दोस्तों क्रिप्टो करेंसी यूट्यूब चैनल ट्रेड फॉर प्रॉफिट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल जो कि टोटली डेडिकेटेड है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेडिंग सिखाने और समझाने के लिए। बड़े लॉस से किस तरह से बच सकते हैं तो उसको सीखना है हमें, कैसे सीखना है मैं सिखाऊंगा। सिंपल सा इस वीडियो को देखते रहना। होता यह है कि जब बिटकॉइन का प्राइस बहुत ही शार्प डंप हुआ तो उससे ज़्यादा डंप हुआ प्राइस में ऑल्ट कॉइंस के, तो लोगों का पोर्टफोलियो 70 से 80% डाउन चला गया। जी हाँ दोस्तों, हम आ गए बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर। बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर जब भी हम कोई किसी क्रिप्टोकरेंसी को बाई करते हैं तो हम जाते हैं उसकी मार्केट को देखने। मार्केट के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर आ जाता है। इस तरीके की क्रिप्टोकरेंसी यहाँ पर आपको दिखाई देने लगती हैं। तो यहाँ पर हम रैंडमली कोई एक कॉइन को सिलेक्ट करते हैं, जैसे हम यहाँ पर BTT को ले लेते हैं। तो BTT का यहाँ पर इस तरीके से जब आप उस पर क्लिक करते हो तो ये इंटरफेस आपके सामने आता है। तो आपको करना है बाई, तो सिंपल सा यहाँ पर आपको जाना होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये प्राइस का कॉलम हो गया, यहाँ पर ये जो लिमिट का कॉलम सेट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक एरो है। इस एरो को जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके पास मिलते हैं। लिमिट और मार्केट तो आपको समझ में आता है कि लिमिट प्राइस वो होता है जो आप अपनी लिमिट के हिसाब से लगाना चाहते हो, मतलब आप अपना मनचाहा जो रेट पे बाई करना चाहते हो उसको वो यहाँ पर सेट करते हो। मार्केट का प्राइस वो होता है कि जो मार्केट में प्राइस मौजूदा चल रहा होता है, तो वहाँ पर आप जब उस प्राइस पर अगर इसको मार्केट पर कर लोगे तो जैसे कि यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, जब मार्केट पर कर लोगे तो यहाँ पर आपको मार्केट प्राइस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर आपको अमाउंट फिल करना है, यहाँ पर आपका USDT का जितनी भी USDT से आपको बाई करना है वो सब आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से बाई BTT के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मार्केट जो भी रेट चल रहा होगा उस वक्त प्रेजेंट, वो यहाँ पर फिलअप हो जाएगा आपका ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर फिल हो जाएगा। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आपको नहीं समझ आते हैं, स्टॉप लिमिट OCO। तो दोस्तों हम जिस फीचर के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है स्टॉप लॉस। अगर उसको एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा तो बस यहाँ पर इतना ही बोलूँगा कि स्टॉप लॉस एक ऐसी चीज़ है जो आपको बड़े नुकसान से बचाती है, ठीक है। आप रात में अच्छे से सो सकते हो क्योंकि आपने स्टॉप लॉस को लगाया होता है। आपका माइंड सेट होता है कि मुझे अगर लॉस होगा तो इतना होगा। किसी को अगर ये चीज़ मालूम हो जाए कि मुझे लॉस होगा तो इतना होगा, प्रॉफिट हो सकता है तो इतना हो सकता है, तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। और जो बड़े ट्रेडर हैं, जो बिग वेल्स हैं, बड़े ट्रेडर्स हैं, स्मार्ट ट्रेडर हैं, वो हमेशा बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग नहीं करते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस को नहीं जानते हो लगाना तो यहाँ पर मैं बता दूंगा उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देना। अदरवाइज़ अगर आप उसको यूज़ नहीं करते हो तो ये मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका पोर्टफोलियो कभी भी प्रॉफिट में नहीं जा सकता। अब सिंपल सा यहाँ पर जब हम स्टॉप लॉस लिमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉप इस तरीके से लिमिट ये सब आ जाता है, ठीक है। पहले तो आपको यहाँ पर बाई करना होता है। बाई किस तरह से करना होता है, तो बाई के लिए आपको लिमिट को ही क्लिक करना होता है, ठीक है। उसके बाद OCO जो चौथे नंबर का ऑप्शन है उस पर बताऊंगा, वीडियो बने रहना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्राइस का सेक्शन है, यहाँ पर अपने प्राइस सेट कर सकते हो। यहाँ पर इसको मैन्युअली इस तरीके से आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गई बात। अब यहाँ पर ये BTT अमाउंट, कितनी BTT आपको चाहिए, मान लीजिए आपको चाहिए है 10,000 BTT, तो ये हमने 10,000 BTT यहाँ पर फिलअप कर दी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 43 US डॉलर का USDT हमें यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रेट हमारा 0.0043, ठीक है। अब इसको यहाँ पर हम बाई BTT कर देंगे तो यहाँ पर ये बाई हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पहले से बाई करा है, तो इस तरीके से आपको बाई करना है। सबसे पहले आपको काम ये करना है कि कोई भी क्रिप्टोकरेंसी को अगर आप बाई कर रहे हैं तो बिल्कुल सिंपल उसी तरीके से बाई करेंगे जिस तरीके से आप करते हो, ठीक है। बिना स्टॉप लॉस के जिस तरीके से आप बाई करते हो, बस आपको सिंपल सा उसी तरीके से उसको बाई करना है। अब वहाँ पर उस क्रिप्टोकरेंसी को जब हमें सेल करना होगा, अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा BTT का जो बैलेंस है, यहाँ पर 19,992 BTT का बैलेंस है, ठीक है। तो अब इसको जैसे सेल करना है, तो सेल करने के लिए दोस्तों यहाँ पर अगर हमें स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है, स्टॉप लॉस लगाना है, तो स्टॉप लॉस के लिए हम यहाँ पर स्टॉप लिमिट को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमें स्टॉप लिख कर आ जाता है, लिमिट लिख कर आ जाता है, फिर यहाँ पर BTT का अमाउंट आ जाता है। तो सिंपल हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है कि जैसे कि मान लीजिए प्राइस अभी चल रहा है 0.0043। अब हम ये सोच रहे हैं कि 0.0042 तक अगर प्राइस आएगा तो हम इसको बेच देंगे। तो यहाँ पर हमें सिंपल सा क्लिक करना है 0.0042, उसके आगे के थोड़े से फिगर यहाँ पर बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसको शॉर्ट में बात करते हैं 4265 हमने लिख दिया, ठीक है। अब लिमिट में हमें रखना है कि 0.00, सेम वही प्राइस रखना है लेकिन थोड़ा सा फ़र्क कर देना है बस। इसको जैसे कि मैं यहाँ पर मान लीजिए 60 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया, यहाँ पर मैंने दो प्राइस डाल दिए। अभी जो पहला प्राइस होता है ये होता है कि जब इस रेट तक मार्केट पहुँचेगी तो आपके इस रेट पर आपका स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसकी 25% क्वांटिटी ले लेते हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर 19,992 ऑलमोस्ट 20,000 समझ सकते हैं। तो इसका 25% आपको जितना सेल करना है, 50% करना है तो 50%, 75% करना है तो 75%, 100% पूरा सेल कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 19,992 आ गया। तो सिंपल हम यहाँ पर 25% ही रखते हैं, यहाँ पर हम इसको सेल
BTT को जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पॉपअप हमारे पास आएगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इफ द लास्ट प्राइस ड्रॉप्स टू आर बिलो 4265 यानी 4265 एंड ऑर्डर सेल इतनी इतनी BTT का इस प्राइस पर प्लेस्ड हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, मतलब प्राइस जब हमारे ये स्टॉप लिमिट वाले प्राइस तक आएगा तो हमारा ये ऑर्डर यहाँ पर जो ये हमने लगाया था नीचे उसके यानी दूसरे बॉक्स में यहाँ पर, तो वो ऑटोमेटिक प्लेस हो जाएगा। सिंपल सा यहाँ से हमें कंफर्म कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑर्डर यहाँ पर क्रिएट हो गया, ठीक है। उसको किस तरह से लगाना है, ठीक है, आई बस समझ में कि बाइनेंस एक्सचेंज पर स्टॉप लॉस को किस तरह से लगाना है, क्योंकि वजीरेक्स पर थोड़ा सा सिस्टम अलग है, वहाँ पर सिर्फ आपको स्टॉप लॉस लगाने का ही ऑप्शन मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी यहाँ पर बाइनेंस एक्सचेंज ने दी है, OCO। OCO का मतलब होता है वन कैंसिल द अदर। तो इसका सिंपल सा ऑप्शन ये है कि वहाँ पर आपका स्टॉप लिमिट मतलब स्टॉप लॉस ऑर्डर और साथ में टारगेट ऑर्डर एक साथ लग जाता है। कैसे लगता है मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं ये ऑर्डर को कैंसिल कर देता हूँ, किसी वक्त भी आप कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास वापस वही क्वांटिटी यहाँ पर देख सकते हैं वापस आ गई, ठीक है। अब हम यहाँ पर चलते हैं तो सिंपल सा हमें करना क्या होता है, यहाँ पर स्टॉप लिमिट जहाँ पर लिखा है यहाँ पर हमें एरो के ऊपर क्लिक करना है, हमें जाना है OCO के ऊपर, ठीक है, OCO के ऊपर। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हमारा लिमिट प्राइस हो जाएगा, यानी जो हमारा टारगेट प्राइस है वो हो जाएगा। यहाँ पर हमारी स्टॉप लिमिट दोनों एज इट इज़ उसी तरीके से जिस तरीके से स्टॉप लॉस लगाना मैंने बताया है, और यहाँ पर कितना अमाउंट आपको BTT का सेल करना है। तो यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ। तो सिंपल सा हम यहाँ पर रख देते हैं कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम रखते हैं 0.00505 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट प्राइस है, ये क्या है हमारा, ये हमारा टारगेट प्राइस है। स्ट्रेटजी यही होती है दोस्तों, बड़े ट्रेडर की साइकोलॉजी यही होती है कि उनको एक अपने इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। इस जो यहाँ पर स्टॉप लॉस को मैं बता रहा हूँ इसको रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं ट्रेडिंग करने में, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टॉप लॉस को उसी तरीके से हम लगाएंगे कि जैसे कि यहाँ पर हमने लगाया था 0.00405 कितना किया था 65 किया था 65, और लिमिट में हम थोड़ा सा इसका रेट कम कर देंगे 4260, ठीक है। अमाउंट हमने कितना 25% का बेचना है, और उसके बाद सिंपल सा यहाँ पर सेल BTT के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंफर्मेशन मांग रहा है, यहाँ से कंफर्म कर देंगे। तो पहले इसको चेक कर लीजिएगा, चेक करना बहुत ज़रूरी। देखो प्राइस ये हो गया आपका टारगेट प्राइस, ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस प्राइस है, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हो अमाउंट आपका इतना है जो BTT को आपको सेल ऑफ करना है, कंफर्म कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे पहले स्टॉप लॉस में आपका एक ऑर्डर लगा था, यहाँ पर आप देखोगे तो आपके दो ऑर्डर लगे। ये आपके स्टॉप लॉस का ऑर्डर है, ठीक है, और ये आपका टारगेट का ऑर्डर है। आई बस समझ में, देखो टारगेट में हमारा वही प्राइस पड़ा है यहाँ पर आप देख सकते हो, और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस की मतलब देखो स्टॉप लॉस में वही होता है कि 4265 यानी ये जो नीचे वाला प्राइस है इस तक मार्केट पहुँचेगी तो इस रेट पर हमारा ऑर्डर ऑटोमेटिक प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, इस तरीके से लगाना होता है दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर हम कैंसिल ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोनों ऑर्डर एक साथ कैंसिल हो जाएंगे और हमारा एज इट इज़ अमाउंट वहीं आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर बाइनेंस एक्सचेंज पर स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाना है इस एक वीडियो में आपको कन्फर्म हुआ होगा। अब चलते हैं वजीरेक्स पर भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम आ गए हैं वजीरेक्स एक्सचेंज पर, और यहाँ पर वजीरेक्स एक्सचेंज पर सबसे पहले आपको एक्सचेंज के ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। तो इस तरह की मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाती है। WRX के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, इस पर स्टॉप लॉस लगाकर आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब इसको क्लिक करते हो तो इस तरीके का चार्ट का इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो जाता है। उसके बाद हमें सिंपल सा यहाँ पर बाय और सेल के ऑप्शन को क्लिक करना होता है। जब आप इसको क्लिक करते हो तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको जैसे कि बाइनेंस पर बताया कि पहले कोई भी क्वाइन है तो उसको लिमिट ऑर्डर पर लगाकर बाई कर लो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये लिमिट ऑर्डर लगा हुआ है, यहाँ पर लगाकर इसको बाई कर लो। बाई करने के बाद उसी क्वाइन को सेल के ऑप्शन में जब जाओगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये लिमिट का ऑप्शन आता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस है यहाँ पर बाइनेंस में वजीरेक्स में वो ये है कि यहाँ पर OCO की कोई भी सुविधा यहाँ पर मौजूद नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको बाइनेंस पर OCO दिखाया था कि एक ही मतलब एक ऑर्डर पर आपका स्टॉप लॉस भी लग जाएगा और आपका टारगेट प्राइस भी लग जाएगा, तो सिंपल सा हमें करना ये होता है कि स्टॉप लॉस को क्लिक करना होता है। स्टॉप लॉस के बाद क्लिक करने के बाद देखो जो मैंने आपको स्टॉप लॉस लगाने का तरीका वहाँ पर बताया था बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही तरीका है कि स्टॉप प्राइस और लिमिट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा जैसे कि मान लीजिए अगर हमने कोई वजीरेक्स को 120 पर बाई किया था और हमें लग रहा है कि प्राइस बस हम ज़्यादा उसमें नहीं करेंगे, हम 115 तक अगर आ गया तो हम वहाँ पर उसको सेल कर देंगे। तो ये 115.50 यहाँ पर हमने स्टॉप प्राइस में लगा दिए। और जैसे कि आपको मालूम है कि लिमिट प्राइस में लगाने के लिए आपको सिंपल सा जो स्टॉप प्राइस है उससे कुछ कम अमाउंट रखना होता है। तो यहाँ पर हम 115
पॉइंट 10 कर देते हैं, ठीक है, मतलब 115.50 रुपये वहाँ पर हमने स्टॉप प्राइस को रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर हमने लिमिट प्राइस रख दिया, जाकर ये देख सकते हैं लिमिट प्राइस रख दिया 115.10 रुपये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल सा, और इस तरीके से यहाँ पर उसके बाद हमें यहाँ पर अपना अमाउंट को डालना होता है कितने WRX यहाँ पर हम सेल कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर 200 WRX मेरे पास हैं और उसकी 25% क्वांटिटी को यहाँ पर हम सेल आउट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा 50% की क्वांटिटी को यहाँ से, 75% और 100%, ठीक है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से। और यहाँ पर हम इस सेल ऑर्डर को प्लेस कर देंगे उसी तरीके से एज इट इज़ ओपन ऑर्डर में लग जाएगा जैसे कि बाइनेंस एक्सचेंज पर था। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस की सुविधा तो है, लेकिन यहाँ पर OCO जो ऑप्शन है बाइनेंस पर वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो फिर यहाँ पर आपको बस स्टॉप लॉस ही यहाँ पर आप लगा सकते हो। तो सिंपल है, सरल तरीके से बताया है तरह से लगाना है। अभी तो यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस को लगाने की सिस्टम क्या है यहाँ पर ये समझ लिया दोनों एक्सचेंज पर, लेकिन हम चार्ट पर स्टॉप लॉस कैसे निकालेंगे कि यहाँ तक अगर प्राइस, क्योंकि होता ही है ना कि कभी कभी स्टॉप लॉस आपका खा जाता है, तो उससे कैसे बचा जाएगा और परफेक्ट स्टॉप लॉस किस तरह से लगाया जाएगा, वो नंबर्स कैसे लाएंगे, प्राइस कैसे ढूंढेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चलो दोस्तों ज़्यादा दो, नेक्स्ट अपडेट मिलता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये अपडेट आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इससे आप शेयर कर सकते हो हमारे वीडियोज़ को, हमारे चैनल को। और जो लोग नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम उनको हमारे द्वारा दी जा रही अपडेट्स लगातार मिलती रहे। नेक्स्ट किसी यूनिक कंटेंट के साथ फिर मुलाकात करता हूँ आपसे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।